हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विप्रोटेक डिजिटल में। जैसे कि अभी प्लेलिस्ट आपने हमारी न्यू स्टार्ट हुई है, देखी होगी आपने, प्लेलिस्ट एक्सेस भी कर ली होगी कईयों ने कि जीयूआई प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है विप्रोटेक डिजिटल चैनल पे। तो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वहाँ पे देखा है फर्स्ट वीडियो में कि कैसे आप जीयूआई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स हम। जैसे कि 3 लाइनों हमने लिखी थी और इससे हमारी जीयूआई विंडो क्रिएट हो गई थी। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा से एक बार रन करके दिखा देती हूँ आपको, जैसे रन करते हैं तो जीयूआई विंडो जो है ये बनके हमारे पास तैयार हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका हम साइज छोटा बड़ा मैक्सिमम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं विंडो को। जैसे हम जो हमारे फीचर रहते हैं विंडोज में, वो सारे हमारे पास इसके अंदर भी हैं। तो अब इसको कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है, वो सारा हम देखने वाले हैं, लाइन बाई लाइन कैसे हम कोडिंग करते हैं जीयूआई प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीयूआई विंडो के साइज की। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज आ रहा है वो छोटा इतना ही आ रहा है, इतना ही ओपन हो रही है विंडो। अब अगर मेरे को विंडो ओपन करनी है, बड़े साइज में ओपन करनी है, या पूरी अपनी जितना लैपटॉप है आपका, जितना सिस्टम है उसकी विंडो के हिसाब से मेरे को ओपन करनी है, तो मैं इसकी ज्योमेट्री सेट कर सकती हूँ। किस तरीके से सेट करेंगे, आपने यहाँ पे लिखना है रूट। रूट क्यों लिख रहे हैं हम, देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रूट वेरिएबल के अंदर हमने सारी टीके क्लास को डाल दिया है, तो हम यहाँ पे रूट देखेंगे और ज्योमेट्री विजार्ड लगा के यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर डबल क्वार्ट्स, डबल क्वार्ट्स के अंदर हम यहाँ पे ज्योमेट्री देंगे। सबसे पहले विड्थ देते हैं, उसके बाद हम हाइट देंगे। तो विड्थ कैसे, आप जैसे मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो विड्थ सेट कर देती हूँ, और एक्स का यूज करेंगे स्मॉल एक्स का मल्टीप्लीकेशन के लिए, और हाइट दे देती हूँ 5 5 5। अब यहाँ पे आप फ्रेंड्स, यहाँ पे ना तो आप कैपिटल एक्स का यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप स्टार का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी इसके अलावा, स्मॉल एक्स के अलावा यूज़ करते हैं तो आपको एरर थ्रो करेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और साथ में इसको डबल क्वार्ट्स के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा, जब भी आपकी ज्योमेट्री जो है विंडो की वो सेट होगी। तो इस तरीके से आप सेट करते हैं। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। बाय डिफॉल्ट अब देखो ये विंडो मेरी ओपन हुई है बड़े साइज में, क्योंकि मैंने जितना इसकी हाइट और विड्थ दी है विंडो की, उतनी ही विंडो मेरे पास उस हाइट और विड्थ के साथ ओपन हुई है बाय डिफॉल्ट। अब फ्रेंड्स मैं इसको विंडो को स्ट्रेस कर सकती हूँ, यानी कि मैं इसको छोटा बड़ा कर सकती हूँ के। अब इसको भी आप सेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मिन साइज और मैक्स साइज भी आप विंडो का सेट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं अगर इसको मिनिमाइज कर दूँ तो मैक्सिमाइज कर दूँ, ये पूरी मैक्सिमाइज हो रही है, मिनिमाइज कर दूँ तो ये स्मॉल हो रही है। तो इस तरीके से आपके पास विंडो का जो साइज है वो चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूँ कि यहाँ पे मिन साइज और मैक्स साइज को सेट कर देती हूँ, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं रूट डॉट, अगर मिनिमम साइज सेट करना है तो मिन साइज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। मिन साइज फंक्शन लगा के आप यहाँ पे मिनिमम साइज दे सकते हैं विंडो का। तो किस तरीके से, अब यहाँ पे आपको डबल क्वार्ट्स की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली विड्थ और हाइट यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यही दे देती हूँ आपको, मैंने 666 रखी है इसकी विड्थ और हाइट रखी है 555, तो मैंने बाय डिफॉल्ट यही दे दी है 666 और 555। तो मिनिमम साइज दिया है, यानी कि इससे छोटी नहीं होगी विंडो। देखो यहाँ पे रन करके देखते हैं। अब देखो इस विंडो बड़ी हो रही है, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर पा रही हूँ, लेकिन इस विंडो को मैं उस साइज से छोटा नहीं कर पा रही हूँ जो मैंने बाय डिफॉल्ट मिन साइज दिया है इसको। तो ये रहता है मिनिमम साइज सेट कर दिया विंडो का। इसी के साथ फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम साइज भी सेट कर सकते हैं विंडो का रूट डॉट मैक्स साइज फंक्शन के साथ। जैसे मैक्स साइज देंगे और इतना ही साइज सेट कर देती हूँ 666 और 555 हाइट दे देती हूँ इसको। तो अब क्या हो गया, ना तो मैं इसको बड़ी कर सकती हूँ विंडो को, ना छोटी कर सकती हूँ। रन करके देखते हैं। जैसे ही रन करूंगी देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरी विंडो इतनी ओपन हो रही है, ना तो मैं इसको बड़ा कर पा रही हूँ ना छोटा कर पा रही हूँ। तो ये रहता है आपके पास फिक्स हो चुका है अभी साइज, ना तो छोटा हो सकता है ना बड़ा। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज भी कर दूँ फ्रेंड्स, तो भी ये विंडो मेरी पूरी मैक्सिमाइज नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसका सेट कर दिया मिन साइज और मैक्स साइज। तो इस तरीके से आप विंडो के साइज को सेट कर सकते हैं ज्योमेट्री, मिन साइज और मैक्स साइज फंक्शन के साथ। तो आप कितना भी बाय डिफॉल्ट अपना साइज रख सकते हैं जीयूआई विंडो का। तो ये आप करके देखिए अपने आप,
और आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप खुद से परफॉर्म करके देखेंगे फ्रेंड्स। तो आगे और भी आने वाली वीडियोस में और भी ज्यादा इसके रिजल्ट्स हम देखने वाले हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए विप्रोटेक डिजिटल चैनल पे। आपकी ये जो जीयूआई प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है वो चल रही है, तो आप उसको फटाफट एक्सेस कर लीजिए फ्रेंड्स।